दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धनतेरस का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और समस्त प्रदेशवासी, क्षेत्रवासी, देहरादूनवासी, व्यापारी वर्ग और आम जनता सभी को ही मैं दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पल्टन बाजार में देखा जा रहा है जगह जगह कीचड़ भरे पड़े हैं, तो ये कीचड़ क्यों हो रहे हैं सर इतना? देखो मैं आपको बताऊं, कीचड़ होना स्वाभाविक हो चुका है क्योंकि जगह जगह गड्ढे हैं। अब अतिक्रमण के बाद, जब से अतिक्रमण में सबके दुकानें छज्जे छुज्जे टूटे हैं, दुकानें पीछे हुई हैं थोड़ी बहुत, तो उसमें जो शटर वगैरह ऊपर से टूटे हैं उनका जो मलबा था उनकी, उससे जो धूल मिट्टी सड़कों पर जमी हुई थी वो ना उड़े, इस कारण बाजार में व्यापार मंडल अपने आप से कुछ टैंकर पानी के गिरवा रहा था। लेकिन गड्ढे होने की वजह से वहाँ कीचड़ जमा हो रहा है। अब हमने स्मार्ट सिटी वालों से भी कई बार बोला, क्योंकि स्मार्ट सिटी वालों ने भी कहीं जगह गड्ढे खोदे हुए हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी का काम बाजार में चल रहा है, तो हमारे द्वारा स्मार्ट सिटी वालों से भी बोला गया जब पानी तो छिड़काव हो, वो भी वो लोग भी पानी छिड़काएं, और साथ ही हमने उनसे ये भी बोला कि जहाँ जहाँ मोटे गड्ढे हैं वहाँ पर कम से कम पैचिंग की जाए, जिससे कि थोड़ा सीमेंट डल जाए या उसके ऊपर थोड़ा सा सड़क का जैसे लग जाती है वो वैसे लगा दें, तो उसको थोड़ा बहुत मरम्मत कर दी जाए, जिससे कि अभी त्योहार का समय है तो दिक्कत ना आए। तो ये काम रात को आराम से हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा कि कुछ ऐसा हुआ है अभी बाजार में। अब जैसे फेस्टिवल सीजन चल रहा है, लोग आ रहे हैं, मतलब आना भी पसंद नहीं कर रहे, इसीलिए अब देखो दिक्कतें ऐसे देखने में भी आ रही है। अब देखो व्यापारी की तो मजबूरी है, उसका तो प्रतिष्ठान बाजार में ही है, उसने तो अपनी दुकान खोलनी है, अगर उसने अपना घर चलाना है, रोजी रोटी चलानी है, तो उसे तो अपनी दुकान खोलनी है। अब वो जैसा भी है, जो भी माहौल दिख रहा है, जैसा भी दिख रहा है, गड्ढे है सड़क में, धूल उड़ रही है, कुछ भी है, अब वो तो सिर्फ ये है कि हम लोग सरकार से मांग उठा सकते हैं अपनी, और मांग करते भी रहते हैं समय समय पर, जो जो चीजों की आवश्यकताएं रहती है। अब ये चीजें तो शासन और प्रशासन को पूरी करनी है कि किस प्रकार से जो देहरादून का सबसे व्यस्तम बाजार है, पल्टन बाजार धामा वाला, जो देहरादून का सबसे व्यस्तम बाजार, सबसे बड़ा बाजार है, जहाँ हर आदमी कम से कम एक बार तो आता ही है बाजार में, तो चाहे वो त्योहार का समय हो, चाहे वैसे ही हो, साल भर में ज्यादा बार मैं नहीं कहता तो एक दो बार आदमी चक्कर लगा ही लेता है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार को भी प्रशासन को भी ये देखना पड़ेगा कि पल्टन बाजार की जो व्यवस्था है उसे किस प्रकार से ठीक किया जा सके। सर अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो इससे हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को संदेश देना चाहेंगे? देखो मैं आपके माध्यम से सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धनतेरस का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और समस्त प्रदेशवासी, क्षेत्रवासी, देहरादूनवासी, व्यापारी वर्ग और आम जनता सभी को ही मैं दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।